नमस्कार दोस्तों, YouTube में स्वागत है आपका। मैं मुकेश कुमार अपने चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी से। आज का वीडियो कंपटीशन सीरीज पर आधारित है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे तर्क शक्ति के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का यह तीसरा सेट है। यदि आपको सेट 1 और सेट 2 देखना है, पिछली वीडियो का सेट 1 और सेट 2 देखना है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों सेट का लिंक्स डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करूँ, एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको समय समय पर नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो इस प्रकार से हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में कौन सा वेन डायग्राम द्वारा समचतुर्भुज, चतुर्भुज एवं बहुभुज को दर्शाया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए इसका हल की तरफ हम चलते हैं। यदि हम ऐसे सॉल्व करें इसको, देखिए यहाँ पर, यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है चतुर्भुज का ही एक रूप है। ठीक है, लेकिन बहुभुज जो है इन दोनों से अलग है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये चतुर्भुज हुआ, ये समचतुर्भुज हुआ, उसी का पार्ट है, लेकिन बहुभुज इस दोनों से अलग है, तो इस प्रकार से बन सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ डाल रखा है, चूँकि समचतुर्भुज मूलतः चतुर्भुज है किंतु बहुभुज एक अलग आकृति है, तो सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या नहीं है इसको बताना, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके हल की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर 8, यहाँ जो 8 लिखा हुआ है वो 2q, ठीक है, वो किसका परिणाम है, 2q के। यदि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 तो 8 आता है। 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 3 × 3 तो 27 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यानी कि 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 4 × 4 तो 64 आता है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। ठीक है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 6 × 6 तो 216 आता है। उसी प्रकार से 7 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 × 7 × 7 तो 343 आएगा। तो सही जवाब मेरा क्या होगा, 343, जो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी 343। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसको, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको विशेष फायदा होगा। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, छोटी संख्या को ज्ञात करें। इसमें भी इस संख्या को ज्ञात करना, यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, जब हम इन चारों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं, तो ये बीच वाली संख्या आती है, यानी कि 2² + 2² + 4², यानी 2² + 2² + 4² + 3², यहाँ पर दिया हुआ है, = 33, यानी कि 33। उसी प्रकार 3² + 2² + 5² + 4², ठीक है, तो जब इस पर करते हैं तो इसका जो योग आता है 54, यानी 54। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार थर्ड में हम जाएंगे तो उसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, पैटर्न हमको मिल गया, यानी कि जब हम इसके चारों संख्याओं को स्क्वायर करके और इंडिविजुअली स्क्वायर करके उसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारा संख्या मिलता है। ठीक है, बीच वाली संख्या मिलता है। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रिया है और इसमें भी वही प्रक्रिया होगा। तो यानी कि चारों संख्याओं को इंडिविजुअली हम स्क्वायर करेंगे, एक करके स्क्वायर करेंगे, उसको फिर ऐड करेंगे, यानी कि 6² + 5² + 4² + 3² यानी कि जब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 86, यानी कि 86। यहाँ पर क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, सॉरी, 86। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी, सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि 86। ठीक है दोस्तों, पैटर्न आप समझ गए होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ भी जो संख्या छोटी हुई है उसको ज्ञात करना है, उसको पता करना है कि क्या हुआ। चार ऑप्शन दिए, चारों में से कोई एक सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। इसमें क्या करना है, इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न दोस्तों यही है, यानी कि ऊपर के जो तीन संख्याएँ हैं, ऊपर के जो तीन संख्याएँ हैं उनको जोड़ेंगे और उसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या मिलेगी हमको, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर के जो तीन संख्याएँ हैं इसको भी जोड़ते हैं, इसमें भी इसको जोड़ते हैं और दो से मल्टीप्लाई करते हैं, दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको जोड़ते हैं और दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 118 मिलता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बनाया है यहाँ पर 26 प्लस 6 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 112, 112, ठीक है। यानी कि 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 56, यानी 1 इज इक्वल टू 56 माइनस 32, यानी 24। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 24 होगा, यानी कि ऑप्शन, अब देखें ऑप्शन में 24 कहाँ आता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप इसको देख सकते हैं। यदि एक्स का अर्थ, सॉरी, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवीज़न का अर्थ एडिशन है और एडिशन का अर्थ सब्ट्रैक्शन है, तो बताएं कि ये जो दिया हुआ है, ये समीकरण जो दिया, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ये कितने के बराबर होएगा, ठीक है, कितने का बराबर होगा। यानी कि गुणे का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो बताएं कि ये क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके हल की तरफ चलते हैं हम। जिस प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न को मैंने इस प्रकार से लिख लिया, अब हम लिखेंगे, चूंकि माइनस को गुना कर रहा है, ठीक है, चूंकि माइनस को यहाँ पर गुना कर रहा है और भागा को प्लस कर रहा है और गुना को भागा कर रहा है और प्लस को माइनस कर रहा है, तो हमने उस प्रकार से लिख लिया है। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने पर आप यहाँ देख सकते हैं कैसे किया गया है। उस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा उत्तर मिल रहा है वो है 2, ठीक है, प्रश्न आंसर जो मिल रहा है वो है 2। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा 2 कहाँ आ रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है ये और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। निम्न को सही क्रम में करें, इस जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इसको सही क्रम में करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे पहले बुखार लगेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि बुखार सबसे पहले आएगा, उसके बाद डॉक्टर आएगा, ठीक है। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, अपना प्रिस्क्रिप्शन में अपना दवा लिखेगा, तो हम दवा की दुकान पर जाएंगे, ठीक है। दवा की दुकानदार जो होगा वह दवा देगा हमको, यानी कि बुखार, डॉक्टर, दवा की दुकान और दवा, ये हमारा सही क्रम होगा। तो इस प्रकार से जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। एक पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वें स्थान पर एवं रीना दाएं से 17वें स्थान पर है, यदि दोनों अपना स्थान एक दूसरे से बदलती हैं तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती हैं और पंक्ति में, तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है कि एक पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं से 8वें स्थान पर है और रीना जो है दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है, 17वें, और उसके बाद उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, यानी कि जहाँ रीना है वहाँ शिल्पा आ गई और जहाँ शिल्पा है वहाँ पर रीना आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन में किया है, वह ये प्रश्न के अनुसार हुआ, ठीक है। स्थान परिवर्तन के बाद क्या हुआ, बाएँ से रीना, बाएँ से 8वें स्थान पर रीना आ गई, ठीक है, और दाएं से 17वें स्थान पर शिल्पा आ गई। अब कह रहा है कि जब इस प्रकार से परिवर्तन स्थान हुआ है तो बाएं से रीना का स्थान, शिल्पा का स्थान जो हुआ वो 14वां हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बाएं से 14वां और दाएं से, इस प्रकार से देखा जाए तो बाएं से शिल्पा का स्थान 14वां हो गया और दाएँ से शिल्पा का स्थान 17वां हो गया, ठीक है। तो जब इस प्रकार के सवाल आए तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 14, ठीक है, इधर से 14 हो गया और इधर से 17 प्लस 17 और माइनस 1, चूँकि एक स्थान को दो बार दिखा रहा है यहाँ पर, इसलिए माइनस 1 करना पड़ रहा है,
तो जब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 30, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या है 30। ठीक है, अब देखना है 30 इसमें कहाँ आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 30 नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ये उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैलाश के अनुसार उसके भाई दीपक का जन्म 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले हुआ, जबकि गीता के अनुसार दीपक का जन्म 22 मई से पहले लेकिन 12 मई के बाद हुआ है, तो दीपक का जन्म कब हुआ है। ठीक है, ये बताना है आपको। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यहाँ पर देखिए, कैलाश के अनुसार चूँकि 20 के बाद, 20 मई के बाद और 28 मई के पहले, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कैलाश के अनुसार इन तारीखों में दीपक का जन्म छुपा हुआ है। ठीक है, गीता के अनुसार, गीता कहती है कि 12 मई के बाद और 22 मई के पहले। ठीक है, तो 12 मई के बाद यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या लगता है दोस्तों, कॉमन कौन सा है, 21। ठीक है, इसमें कॉमन है 21, तो सही जवाब होगा 21 मई। ऑप्शन में कौन सा होगा, बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी विशेष फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो चलिए, हम आपसे अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलेंगे हम दोस्तों। जय हिंद।